तो कैसे हो दोस्तों, तुम सबका स्वागत है आज की न्यू वीडियो में। तो आज हम लोग खेलने जा रहे हैं सुपरमार्केट सिमुलेटर, जिसमें कि हमें अपनी खुद की शॉप ओपन करनी है और उसे मैनेज भी करना है, और साथ ही साथ हमें ये भी देखना होगा कि हम लोग डेली का प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हैं या नहीं। तो यार तुम सब लोग तैयार हो जाओ मजेदार सफर के लिए, जहाँ हम लोग बनाएंगे अपनी छोटी सी दुकान को एक बड़े शॉपिंग सेंटर में। ऑल राइट गाइस, तो सबसे पहले हमें अपनी शॉप का नाम रखना होगा। तो इस शॉप का नाम होना चाहिए स्टडीज सुपर मार्ट। तो गाइज ये देखो अपनी प्यारी सी दुकान, जिसमें ये नाम भी बिल्कुल सूट कर रहा है, और अगर अच्छा नहीं लगा तो बाद में हम लोग इसे चेंज भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलो अभी हम लोग अंदर जाते हैं। एंड वेट, ये क्या है भाई? सिरिल चौकी पिक। ये शायद बाहर के देश का चौकोस रहेगा, बट ये चीज इधर कौन रख के गया भाई? कोई है क्या इधर? शायद गेम वाले हमारे लिए रखे गए होंगे, बिकॉज ये देखो हमारे पास अभी एक भी रुपया नहीं है, एंड हम इसे ही बेच के बाकी का सामान खरीद सकते हैं। तो अभी मैं इन सारे चौकोस को इस शेल्फ में रख देता हूँ, एंड इसके बाद हम लोग जल्दी से अपनी दुकान को चालू करते हैं। ओके, तो इस बॉक्स को कहाँ रखूँ मैं? इधर नहीं, हाँ उधर एक एरो शो कर रहा है। ओके, डस्टबिन में फेंकना है। चलो हो गया। अभी क्या, अभी शायद हम लोग, नहीं नहीं इधर और एक एरो शो कर रहा है। ओके, सेट प्राइस, तो इसे कितने रुपए में बेचना है? तो हमें ये $2 का मिला है, एंड मार्केट वैल्यू $5 है। तो चलो हम लोग इसे $6 का बेचते हैं, क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट होगा हमारा। ओके, तो अभी हम लोग जल्दी से अपनी दुकान को चालू करते हैं। अभी कस्टमर्स का आना चालू हो जाएगा, तब तक हम लोग काउंटर पर जाके बैठ जाते हैं। तो गाइस इधर हमें सभी प्रोडक्ट्स का बिलिंग करना होगा। एंड वेट, इधर हमें एक PC भी दिया है, ये किस लिए भाई? अच्छा, तो इधर से हम लोग प्रोडक्ट्स एंड फर्नीचर का ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तेल है, साखर है, और फर्नीचर में क्या है, फ्रिज है। बट अभी फ़िलहाल के लिए तो हम लोग कुछ नहीं मंगा सकते, बिकॉज हमारे पास पैसा ही नहीं है भाई। वो पैसा आ गया, मेरा मतलब एक कस्टमर आ गया। तो दादी जी ने 2 चौकोस ख़रीदा है, कितने रुपये में? $17 में। ठीक है, तो इसे चेंज दे देता हूँ $12। लेकिन उसे क्या हो गया भाई, वो रो क्यों रही है? अरे क्या हो गया, रुको इसे मैं चेंज दे देता हूँ, जल्दी देखना पड़ेगा क्या हो गया अभी। अरे ले भाई जल्दी ले। अरे ये भी रो रहा है क्या? सीरियल चौकी पीस इज टू एक्सपेंसिव। अरे मैंने तो $6 का ही तो रखा है, इतना क्या? ओ भाई $8 का रखा है, तो ये $6 क्या है? अरे यार ये तो प्रॉफिट है, मुझे लगा मैं सेलिंग प्राइस रख रहा हूँ। चलो जल्दी से $6 रख देता हूँ, कस्टमर भाग रहे हैं। ओके ओके ठीक है, रख दिया $5.99 का। ओके आ गई कस्टमर। ठीक है, तो इसने एक चॉकोस का पैकेट लिया है, लेकिन ये $8 क्यों दे रही है? मैं तो $6 का बेच रहा हूँ, और ये तो कार्ड से पेमेंट कर रही है। और एक कस्टमर आ गई। अरे अरे बहन कितने बॉक्स उठाएगी? चलो चलो ठीक है, मेरा ही प्रॉफिट हो रहा है। 3 बक्से उठा ले चॉकोस के, इसे देता हूँ 17.97। ए वो कस्टमर क्यों चला गया? अरे अरे रुक जा रुक जा, ए भाई रुक जा, प्रोडक्ट पसंद नहीं आया क्या तुझे? अरे बोल तो कुछ, क्या बंदा है। अरे अंदर और एक कस्टमर है, चलो काउंटर पे आ जा भाई आ जा। क्या ख़रीदा तूने बोल? 3 चौकोस, इसे भी 17.97 देना होगा। चलो सब लोग कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं, अमीर लोग हैं इधर के तो। ओके आ जा भाई आ जा, सूट पहन के आ रहा है। इसने 2 चौकोस लिए, तो कितना होगा? $11.98। ठीक है ले भाई एक बॉक्स। अरे स्टॉक ख़त्म हो गया यार, रुको अभी ये दुकान बंद करनी पड़ेगी। पहले इस बहन को इसका सामान दे देता हूँ, 1 चौकोस का $5.99। ओके हो गया, चलो अभी जल्दी से दुकान बंद करते हैं, नहीं तो कस्टमर आ जाएगा, हमारे पास स्टॉक भी नहीं है। चलो और इधर से ऑर्डर करते सामान को, देखते क्या क्या मंगाना है। अरे ये फर्नीचर क्यों दिखा रहा है? इतना तो पैसा भी नहीं है, $200 भाई साहब। चलो प्रोडक्ट्स मंगाते हैं, क्या क्या मंगाया है। एक चौकोस मंगाते हैं, क्योंकि सभी लोग खरीद रहे हैं। ये आटा, तेल भी लेते हैं, और ये पास्ता। चलो ठीक है, इतना कितना हुआ? $82। अरे यार हमारे पास तो $80 ही है, एक प्रोडक्ट कम करना होगा क्या? ये पास्ता कम करते हैं, कोई नहीं लेगा ज़्यादा पास्ता। ओके ठीक है हो गया, अभी हमें वेट करना होगा प्रोडक्ट्स आने का। चलो बाहर जाके वेट करते हैं, हमारा सामान आता ही होगा। अरे आ गया, क्या ये चौकोस है? चलो चौकोस, और एक आ गया भाई, सामान ऊपर से आ रहा है हेलीकॉप्टर से शायद। चलो ये सामान, इसे रख देते चौकोस को इस शेल्फ में, ऊपर ही रखते हैं।
क्योंकि सब लोग चौकस ही खरीद रहे थे बहुत। इस डब्बे को इधर फेंक देता हूँ एंड बाकी का सामान भी हम लोग जल्दी से रख देते हैं। ये क्या है? तेल है। इसे तो सबसे नीचे रख देता हूँ क्योंकि अगर ऊपर से गिर भी गया तो हमारा पूरा दुकान ख़राब हो जाएगा और हमारे पास आदमी भी नहीं है इसे साफ़ करने के लिए। ये इधर फेंक देता हूँ एंड ये क्या है? फ्लोर। ओके, आटा है, इसे भी रख देता हूँ जल्दी से। ठीक है, तो अभी हमें इन सब का प्राइस भी सेट करना होगा। इसका तो हमने रख दिया था, चलो इसे पूरा $6 का ही रखते हैं। $6 हो गया। अभी इसका ये आटे का कितना है? मार्केट प्राइस $3 है, तो चलो हम लोग $4 का बेचते हैं क्योंकि हमारा सुपर मार्केट है ना, तो थोड़ा वट पड़ेगा। ओके, $4। ओके, रख दिया। और ये तेल का कितना रखे? $5 का है, तो इसका प्राइस में अगर कम रखूँ तो ज़्यादा कस्टमर आएगा। चलो $3 रखते हैं। ओके, हो गया। अभी हम लोग फिर से दुकान चालू करते हैं, कस्टमर्स आते रहेंगे, हम लोग काउंटर भी जाके बैठ जाते हैं। ठीक है, अभी आ रही है क्या कस्टमर? अरे ये तो दादी माँ फिर से आ गई। आ जा जल्दी आ, लगता है फिर से चौकस खरीदेगी। और एक आ रही है, आ जा तू भी आ ले। अरे फ्लावर इज़ टू एक्सपेंसिव। अभी क्या हो गया? अरे यार इसका प्राइस अभी फिर से सेट करना होगा। इसे पहले दे देते हैं चौकोस। अरे यार उसे भी वो फ्लावर एक्सपेंसिव लग रहा है। अरे मैंने बस 50 सेंट ही तो बढ़ाया है, इतना भी नहीं दे सकते क्या तुम लोग? चलो अभी उसका प्राइस कम करते हैं। वैसे कितना रखा था मैंने प्राइस? $4। ये देखो इतना तो है बस। चलो अभी $3.38 करते हैं। एंड गाइस, मैंने तेल का प्राइस तो बहुत कम रखा था लेकिन उसके बारे में तो कोई कुछ बोला नहीं। मतलब महंगा रहेगा तो रो देंगे लेकिन सस्ता रहेगा तो कुछ बोलेंगे नहीं। बहुत चालाक है ये लोग। ये ले तेरे पैसे। ओके, तो अभी दुकान बंद करने का समय हो गया, रात हो गई है बहुत, अभी कोई नहीं आएगा। चलो ये बंद कर देते हैं दुकान को, ये दरवाज़ा बंद। एंड देखते हैं हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है। तो टोटल रिवेन्यू $133 है एंड बस 12 कस्टमर्स आए थे। कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि आज हमारा पहला दिन था तो इतने कस्टमर्स भी ठीक ही है। कल हम लोग जल्दी दुकान खोलेंगे, फिर ज़्यादा कस्टमर्स आएंगे। तो चलो अभी हम लोग घर जाते हैं, लेकिन उसके पहले हम लोग कल के लिए सामान ऑर्डर करते हैं, बिकॉज अगर कल ऑर्डर करेंगे तो दुकान खोलने में देर हो जाएगी। तो जल्दी से हम लोग बस ब्रेड और साखर लेते हैं क्योंकि बाकी का सामान तो हमारे पास ऑलरेडी है, लेकिन हमारे पास स्टोरेज नहीं है ना, तो हम लोग बस एक ही सामान ले सकते हैं। चलो ब्रेड ही लेते हैं बिकॉज ये देखो हमारे पास स्टोरेज ही नहीं है। तो अभी ऑर्डर आता ही होगा तो जल्दी से इसे शेल्फ में रख के चले जाएंगे। ओके, आ गया ऑर्डर, अभी इसे जल्दी से रखते हैं। ये रख दिया इधर। ओके, अरे थोड़े ब्रेड्स बच गए हैं, ये किधर अभी रखूँ? चलो ये बॉक्स के इधर कोने में रख देता हूँ। अरे ये रख क्यों नहीं पा रहा, रखो। ओके, रख दिया। चलो अभी हम लोग घर जाते हैं, लेकिन ये लाइट और पीसी बंद करना होगा क्या हमें? इसका स्विच किधर है? अरे ये दुकान की लाइट चालू ही रखनी होगी। चलो कोई नहीं, जाते अभी और कल सुबह जल्दी दुकान खोलेंगे। ऑल राइट गाइज, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप सी यू गाइज एंजॉयड द फर्स्ट एपिसोड ऑफ सुपर मार्केट सिम्युलेटर। तो जाते जाते गाइज मैं आप सबसे बस एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज यार देखो हम लोग 50,000 की फैमिली बनने में बस कुछ ही दूर है और इस ग्राफ के अनुसार हर बार कोई एक बंदा है जो कि सब्सक्राइब करना भूल जाता है, तो क्या वो तुम हो? और कमेंट सेक्शन में भी बता देना कि आप लोग नेक्स्ट एपिसोड में क्या देखना पसंद करोगे। ओके, बाय।